हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरती कटारिया कुकिंग क्लासेस एंड आशीष केक्स एकेडमी। तो हम लोग दिवाली सीरीज में अलग अलग चीज़ें आपको मैं बना के बता रही हूँ। कुछ लाइव भी चल रहा है, कुछ ये यूट्यूब वीडियोस है, तो आप दोनों जगह हमको देखते रहिए। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सबको रवा लड्डू अच्छा लगा ही होगा। तो आज हम लोग कर रहे हैं बेसन के लड्डू। बहुत ही क्या बोलते हैं ना, ईजी वे आपको बता रही हूँ। काफ़ी सारी बार होता है कि हमारे को वो मुँह में स्टिक हो रहे लड्डू, चिकने बनते हैं या दानेदार जैसे हलवाई क्या बनता है वैसे नहीं बनते। तो आइए आज आपको मैं एक प्रॉपर मेथड सिखाती हूँ लड्डू को कैसे एकदम दानेदार हलवाई जैसे या जैसे दुकानों में मिलते हैं वो कैसे बनाते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉमन इंग्रेडिएंट्स है इसको बनाने के लिए हमारे पास में बेसन है, घी है, और थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए या एक अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बूरा शक्कर। अब मेन बात क्या है पता है, कि जब भी आप बेसन लो लड्डू के लिए तो वो बेसन आपका हल्का सा दरदरा चाहिए। आप जब जाओगे अपना चने की दाल पीसवाने तो आपको बोलना पड़ता है कि हमको हल्का सा दरदरा दीजिए, उसके लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। बट सपोज अभी दिवाली बहुत नज़दीक आ गई और आपके पास वो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब मेरे पास में दरदरा बेसन नहीं है तो हम हल्का सा रवा, बारीक वाली जो सूजी होती है वो इसमें मिक्स कर देंगे बेसन में और हम यूज़ करेंगे। कारण पूरा अगर मैं चिकना बेसन लूँगी तो लड्डू भी एकदम चिकने ही बनेंगे, ठीक है। तो हल्का सा दरदरा बेसन या फिर रवा मिक्स करना है। आइए, हमने थिक बॉटम वेसल लिया है और ऐड करेंगे घी। जैसे ही घी गर्म होगा हम लोग ऐड करेंगे बेसन और रवे का मिक्सचर जो हमने लिया है। और मीडियम गैस पे आप इसको भूनोगे। हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक हल्का सुनहरा कलर ना आ जाए। आपको इसको कंटिन्यूस हिलाना है ताकि आपको जो बोलते ना मैदा इक्वली हर जगह से सुनहरा हो। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर काफ़ी अच्छा होते जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लो गैस पे इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। मैं गैस बंद कर रही हूँ और जैसे ही आप गैस बंद करते हो एक और ट्रिक आपको बता रही हूँ, दैट इज़ इसमें एक चम्मच मिल्क पाउडर डाल दीजिए, इससे इसका टेस्ट बहुत एनहांस हो जाएगा। नॉर्मल कोई भी मिल्क पाउडर आपके पास है प्लीज़ ऐड कर दीजिए। और अब हम ठंडा होने तक इसको हिलाएंगे, गैस बंद कर चुके हैं, ठंडा होने तक हम इसको हिलाएंगे। जैसे ही आप मिल्क पाउडर डालोगे तभी आप नट्स डाल दीजिए, काजू बादाम जो भी आपको ऐड करना है, तो नहीं ऐड करना है तो कोई बात नहीं। क्या होता है अगर हम पहले डाल देते हैं ना तो वो ज़्यादा सिक जाते हैं और कलर चेंज हो जाता है। अब गैस बंद करने के बाद में हल्का हल्का ये भी ठंडा होगा और नट्स भी सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, मैं इसका बाउल शिफ्ट कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं बोल रही थी ना जब हम कढ़ाई में ही रहने देते हैं और फिर हम जब इसको मैंने टर्न किया तो देखिए इसका खुद का कलर कितना अच्छा आ गया, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे बूरा शक्कर। आप पीसी शक्कर भी डाल सकते हो, मेरे को बूरा शक्कर बहुत अच्छा लगता है। आप खांड, बूरा शक्कर, जो भी आपकी चॉइस है वो आप यूज़ कर सकते हो। इलायची पाउडर और एक दो बूंद लेमन येलो कलर की, इन सबको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
जब ये हल्का सा गर्म है तभी आपको शक्कर मिक्स करना है। ये देखिए आधे घंटे के बाद इसका टेक्सचर ऐसे है। आइए इसको पूरा अच्छे से खोल लेते हैं और लड्डू बनाएंगे। इसके लड्डू बना लेते हैं, बहुत इजीली बनेंगे और जैसे जैसे ठंडे होंगे आपको वो रवादार दिखते जाएंगे। सो गाइस एकदम परफेक्शन के साथ आपको मैंने सिखाया है हलवाई जैसे सेम लड्डू बनाना बेसन के।